करीब सर ये 8-10 महीने पहले मेरा शुगर लेवल बढ़ गया था। तो जी हाँ उस समय सर 300 350 के आसपास था। तो जी हाँ मैंने फिर वहां पे डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का डाइट DIP डाइट शुरू किया था। जी हाँ तो करीब 10-12 दिन में फिर मतलब रिवर्स हो गया था, नॉर्मल आ गया था। उसके बाद फिर कुछ दिन तक मतलब जो उनका डाइट प्लान था वो चलते रहा। फिर धीरे धीरे उसमें खाना पीना फिर मतलब नॉर्मल जो करते हैं वो करने लगे, और थोड़ा बहुत ड्रिंक भी करते थे वो सब भी करने लगे। तो शुगर मतलब नॉर्मल ही रहता था, कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद सर बीच में क्या हुआ कि कुछ दिन पहले से करीब हमको लगता है कि एक महीना होगा, 1 महीना पहले से मतलब प्यास लगने लगा ज्यादा। तो कभी कोल्ड ड्रिंक पी लेते थे, वो करते करते फिर दिमाग में आया कि एक बार शुगर चेक करते हैं। तो फिर शुगर जब चेक किए तो वही 350 400 350 के आसपास था। तो उसके बाद फिर से उनका जो DIP डाइट वाला है वो चालू किए, लेकिन इस बार मतलब हो गया करीब 20 दिन हो गया है, लेकिन शुगर लेवल कम नहीं हो रहा है। और प्यास जो है सर, प्यास बहुत लगती है, और उसके चलते फिर पानी खूब पी लेते हैं, और पानी पीते हैं फिर टॉयलेट जाना पड़ता है। और इस बीच जो है मैं ये चीज तो लास्ट टाइम भी हुआ था, लेकिन लास्ट टाइम भी मेरा वेट करीब 68 kg था, 69 kg। वो 69 से फिर 61 kg तक चला गया था। जी हाँ उसके बाद 61 kg के बाद से फिर वो मतलब सब कुछ नॉर्मल होने लगा। उसका फिर वेट फिर हम वापस 69 kg गेन कर लिए थे। मतलब जब और आपने उनका डाइट प्लान छोड़कर अपना रूटीन में आ गए थे तो जी, तो 69 kg फिर मेरा वेट हो गया था। उसके बाद फिर अभी क्या है, अभी फिर 63 kg हो गया है। 69 kg था, फिर अभी 63 kg हो गया। तो बीस अभी दिन हमको में लग रहा है हाँ 20-25 दिन में ठीक है। तो हमको लगता है कि फिर वापस मतलब, और डेली थोड़ा थोड़ा कम ही हो रहा है। तो अब आपको कुछ चीजें भी मैं पूछूं आपसे, आपकी जी सर पूछिए। एज कितनी है मेरी एज है सर 45 इयर्स, और हाइट कितनी है? हाइट होगा सर 4.5 5 5 5 5 फीट होगा। अच्छा, आपको जब पहली बार पता चला ब्लड शुगर का 350-400 का, तो उस समय आप कितना पानी पी रहे थे? उस समय सर लास्ट फर्स्ट टाइम का तो ध्यान नहीं है उतना, लेकिन प्यास भी उतना थोड़ा लगता था। एक्चुअली उस टाइम थोड़ा सा डिप्रेशन में भी थे, ठीक है ना, थोड़ा सा डिप्रेशन में भी थे, और थोड़ा स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा था। और अभी भी हमको लगता है कि थोड़ा स्ट्रेस लेवल थोड़ा बढ़ा, इसलिए मतलब फिर से वापस उसी मूड में आ गए। किस टाइप का स्ट्रेस? स्ट्रेस है सर, बिजनेस का स्ट्रेस है थोड़ा सा। जब बिजनेस करते हैं हाँ हाँ सर, बिजनेस। तो आप कुछ, लास्ट टाइम जब आपका पहली बार पता चला था तो कितने महीने हो? 8 महीने हो गए। लगभग मतलब साल भर 8 महीना हुआ, पूरा होगा, साल भर हो उससे गया। ज्यादा। तो हाँ हाँ आप उस 1 साल पहले का रफली एक रूटीन बताइए, सुबह कितने बजे उठते थे आप? सुबह तो सर उठ जाते थे। हाँ उस समय मॉर्निंग वॉक करने भी जाते थे। वो उठते कितने बजे थे अंदाजा 1 साल पहले? उठते एक हाँ 5 बजे के आसपास, मैं 5-6 बजे उठ जाते थे। तो उठने के बाद आप पानी पीते थे खाली पेट?
उठने के बाद हाँ सर, उस समय गर्म पानी पीते थे। कितना? गर्म पानी मतलब एक कप, छोटा कप से मतलब अच्छा, तो वो कप पीने के बाद में पेट वगैरह आप साफ पानी करने के पीने लिए के बाद जाते थे? फ्रेश होते थे। फ्रेश हाँ जी, होने के बाद फिर ब्रश किया, ब्रश करने के बाद फिर वॉकिंग के लिए चले जाते थे। फिर उधर से आते आने के बाद कितना फिर कितना वॉकिंग करते थे आप? वॉकिंग सर करीब 1 घंटा वॉकिंग करते थे। तेज तेज चलते थे या नॉर्मल स्पीड से? नॉर्मली चलते थे सर, क्योंकि उतना एनर्जी भी उस समय मतलब नहीं लगा नॉर्मली था। चलते थे। हाँ ऐसे ये तो आप हम बता रहे हैं, ये आप तब का बता रहे हैं जब आपको मालूम नहीं था कि आपको डायबिटीज है। नहीं, उस समय भी पता था सर, उस समय भी पता था। 350-400 करीब हो गया था शुगर लेवल, मतलब लास्ट टाइम तो नहीं, 500 हो जब गया था। अच्छा, आपको पहली बार कब पता चला था? मतलब जो 1 साल बता रहे ना सर, 1 साल पहले, हाँ हाँ तो उस समय ऐसा कंडीशन था, उस समय विश्वरूप रॉय का डॉक्टर साहब नहीं, का विश्वरूप रॉय उपरोक्त चौधरी से पहले जब आपको पहली बार शुगर का पता चला? नहीं सर, हमको उसी समय 1 साल पहले ही पता चला था, ठीक तो है, तो उनका करीब डाइट करीब डेढ़ साल प्लान पहले, चल तो आप उन वो पता लगने से पहले करीब करीब 6 महीने जी। पहले भी आप घूमने जाते थे या सिर्फ हाँ पता सर लगने के बाद ही हमको, घूमे? हाँ एक्चुअली सर हम करीब 6 महीना साल भर, कभी कभी होता है कि हम 4-5 महीना कंटिन्यूअस रनिंग करते थे डेली, ये आप 7-8 किलोमीटर शुरू से शुरू करते हैं? से। नहीं ये पहले तो करते थे सर, लेकिन इधर करीब 3-4 साल पहले से कर रहे थे। अच्छा, अभी 3-4 साल से आप रेगुलरली रनिंग कर रहे थे 7-8 किलोमीटर रोज का? बीच बीच में 6 मंथ्स का गैप हो जाता था, जैसे कोविड आया तो फिर उसमें गैप हो जाता था, उस टाइप से होता था। ठीक है, जनरली आप विंटर्स में शुरू करते थे, और फिर ज्यादा गर्मी आता है तो छूट जाता था। ठीक है, तो दूसरा चीज ये बताइए कि आप ब्रेकफास्ट कब करते हैं? ब्रेकफास्ट सर हाँ करते थे वही करीब 10-11 बजे के आसपास। अच्छा, तो आप 7 बजे 7:30 बजे घूम के आ जाते थे, तो उसके बाद कुछ खाते पीते नहीं थे? नहीं उसके बाद फ्रूट्स लेते थे, थोड़ा नहीं ये तो फ्रूट था। विश्वरूप रॉय चौधरी के बाद शुरू किया होगा ना फ्रूट लेना, उससे हाँ पहले? हाँ ऐसे पहले पहले फिर एक्चुअली हम लोग का ऑफिस जाना, फैक्ट्री जाना रहता है, तो 11-12 बजे के आसपास अपना खाना खा लिया, ब्रंच टाइप का, उसके बाद फिर फैक्ट्री निकल गए। ठीक है, तो आपका ब्रंच में जो आप उस 11 बजे के करीब खाते थे, तो क्या किस टाइप का खाना होता था? परांठे वगैरह, रोटी वगैरह, सब्जी? रोटी चावल सब्जी दाल पापड़ दही पूरा तो मतलब अंदाजा, भर पेट। अगर मतलब अगर सिर्फ रोटी रोटी खा रहे हैं तो करीब करीब कितनी रोटी हो जाती होगी सुबह के टाइम? ज्यादा नहीं होता है सर, जैसे डाइट मेरा कमी है, 2 रोटी खा लिए, थोड़ा चावल खा लिए, 1 कटोरी चावल खा लिए, या 1 रोटी खाए तो 2 कटोरी 1.5 कटोरी चावल खा लिए, या कभी चावल ही खा ठीक लिए। है ठीक है, तो एवरेज डाइट है आपकी। अच्छा, हाँ आप जी। खाने के साथ पानी पीते थे? खाने पानी नहीं पीते थे, खाने तो का पहले पी लेते। खाने के पहले कितनी देर पहले? खाने के वैसा कोई मतलब आधा 1 घंटा पहले पानी पी लेते, तो कितना पानी पीते थे खाने से पहले? गर्मियों मतलब प्यास के ऊपर है, जितना मतलब प्यास लगा उतना पानी में, पी। मतलब गर्मियों में? ऐसे सर हम पानी ज्यादा पीने वालों में से नहीं है, कम ही पानी पीते थे। फिर भी कितना हो जाता था खाने से 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले जब आप पीते थे तो? एक ग्लास बहुत है सर। और खाने के साथ नहीं पीते थे तो खाने की कितनी देर बाद पीते थे? खाने के वही 1 घंटा बाद, आधा 1 घंटा बाद, मतलब 1 घंटा। तो राजीव दीक्षित जी जैसे बोलते थे वैसे ही करते थे कि खाने के साथ पानी नहीं पीना, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है? हाँ, सर तो राजीव दीक्षित जी बोलते थे कुछ बटर मिल्क मतलब लस्सी वगैरह या मट्ठा वगैरह और दूध वगैरह वो भी लेते थे आप? हाँ सर, दूध दही मट्ठा दही हम लोग पीते ही हैं। अभी भी पीते हैं? अभी तो बंद किया हुआ है करीब 15 दिन से। अच्छा, तो उस समय 1.5-2 साल पहले आपकी दिन का कितना दूध और दही और मट्ठा वगैरह लेते होंगे? एक्चुअली इसके पहले सर
थोड़ा मीठा खाने का ये लगता था, तो हम दही खाते थे, फिर लस्सी पीने लगे, और मतलब बड़ा गिलास से लस्सी पी जाते थे, फिर प्यास लगता था तो बड़ा गिलास से छाछ पी लेते थे, करीब 1 लीटर एक बार में, उस टाइप से। ठीक है। और चाय टोटल कितनी पीते थे आप, चाय नहीं पीते हैं सर, और दूध कितना पीते थे पहले, 2 साल दूध पहले? तो दूध रात में सोने के पहले पीते थे सर, एक 1 गिलास 2 गिलास गिलास करके पीते। हाँ, और दूध पीने का सर ऐसा आदत है कि बिना दूध के मन नहीं भरता है, तो अभी भी कभी जैसे बीच बीच में नहीं रहा जाता तो दूध खा लेते हैं, मतलब मलाई दूध खाने का आदत है शुरू। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आपका 1-1 लीटर, तो गर्मियों में जब गर्मी लगेगा तो 1 लीटर के करीब मठा हो जाता था पूरे दिन में, और उसके अलावा 1 गिलास दूध हो गया और 1-1.5-2 लीटर पानी हो गया, तो टोटल 2.5-3 लीटर हो ही जाता था सब मिला ले, अगर हाँ फल वगैरह भी मिला ले तो और भी ज्यादा हो जाएगा। हाँ नाइट में थोड़ा 1-2 पैक ड्रिंक भी कर लेते थे, 2-3 पैक, आप 2-3 पैक लेते थे, वो रेगुलर रोज का था? और रेगुलर यहाँ बिहार में तो सर मिलता नहीं है, कभी मिल गया तो रेगुलर हो जाता था, नहीं मिला तो फिर गैप भी हो जाता है 15-20 दिन का। पर मैक्सिमम कितना पीते थे, 3 पैग ही होता था या ज्यादा भी, 1-1 बोतल या आधा बोतल भी? नहीं, 3 पैक, 3 से 4 पैक मैक्सिमम, मुझसे ज्यादा 3 पैग ही पकड़िए। एवरेज 3 ही का था। हाँ, और हफ्ते में कितने दिन, 5-7 के 7 दिन या 2-3 दिन? 2-3 दिन। देखिए, एक तो जितना मैं पूछ रहा था उसका बेसिक पर्पस यही था कि अभी तक जितना भी समझ में आया है, वो जो लोग खाने के साथ पानी नहीं पीते उनको डायबिटीज वगैरह की शिकायत आने लगती है, खाने के पहले भी चल जाता है, खाने के साथ में पानी पीना बहुत जरूरी होता है। जी सर, तो फिलहाल के लिए तो 2 चीजें हैं मैं सजेस्ट करूंगा। जो डायबिटीज का मतलब होता है कि आप खाने पीने से जितना आपके शरीर में एनर्जी बन रहा है, वो एनर्जी आपके जो अंदर का सिस्टम है, जैसे आपके जो खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए, दिमाग को भी एनर्जी चाहिए, तो सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च होती है आपके दिमाग में और खाने के सिस्टम में पचाने में। जी तो डायबिटीज तब होती है जब आपके जो मेन ऑर्गेन्स हैं, वाइटल ऑर्गेन्स, उसके लिए आपकी एनर्जी काफी नहीं पड़ती है, तो जब उसको कमी होती है अपने आप से बढ़ाने लगता है, डिफेंस सिस्टम है बेसिकली, कि शुगर जो बढ़ती है तो वो इस वजह से बढ़ती है कि अगर शुगर नहीं बढ़ेगी तो आपके दिल को एनर्जी नहीं मिलेगी धड़कने के लिए, तो ज्यादा नुकसान होगा। तो बेसिकली वो डिफेंस सिस्टम होता है हमारा शुगर का। दूसरा होता है कि जितना आप ज्यादा पानी या फ्लूइड्स लेंगे या मिल्क लेंगे, जितना कैल्शियम ज्यादा होता है उतना प्यास लगती है, और उतना बॉडी पानी रिटेन ज्यादा करती है, प्यास ना भी लगे तो रिटेन करने लगती है, रोकने लगती है, तो आपके शरीर में पानी भरने लगता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो जब भी आप कुछ रूटीन को चेंज करते हैं, शुगर ज्यादा हो गई, आपने शुगर इंटेक बढ़ा दिया, जैसे फल वगैरह लेना शुरू कर दिया, तो आपके सेल्स में शुगर जाती है तो पानी कम हो जाता है, जब भी एनर्जी बढ़ेगी तो पानी कम होगा, पर जो फ्रूट्स वगैरह का है वो सिस्टम ज्यादा देर तक नहीं चलता है यूजली, तो उसमें प्रॉब्लम आने लगती है। और दूसरा ये चीज है कि कमजोरी आने लगती है, सबसे मेन चीज होती है शुगर में कमजोरी, कि आपका एनर्जी लेवल कितना है, आपको कितना अच्छा लग रहा है, कि दिन में थकान होती है या आप 12 घंटे 16 घंटे काम करते हैं आपको पता भी नहीं चलता। जो आप स्ट्रेस का बात करते हैं, स्ट्रेस का भी बेसिक रीजन ये होता है कि आपके दिमाग को काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो पूरी नहीं मिलती है, तो उसी से स्ट्रेस होता है। आप ये देखिए कि कोई आदमी चाहे मजदूरी करता है, जब तक उसको ताकत है तब तक कोई स्ट्रेस नहीं है, और जैसे ही उसको कमजोरी आने लगती है तो स्ट्रेस होने लगता है। बेसिकली क्या है कि आपके दिमाग को, सारा बॉडी को चलाना है, जब उसको एनर्जी मिलेगी तभी चलेगी। अब दिमाग के पास सभी चीजें चलाने के लिए नहीं है, तो कभी कोई कहाँ से खींचे, कोई एक तरीके से समझ लीजिए कि एक आदमी है और 10 बच्चे हैं, कोई टांग कहीं से खींच रहा है कोई कहीं से खींच रहा है, तो बड़ा प्रॉब्लम होती है, उस तरीके का सिचुएशन रहता है। तो अभी उसके लिए एनर्जी को बढ़ाने के लिए 2 सिस्टम होते हैं हमारे, कि एक तो आप सुबह उठकर घूमना और भागना जो भी एक्टिविटी करते हैं वो सब बंद कर दीजिए, उसकी जगह आप क्या करें कि घर के अंदर ही 5 मिनट टहले, 5 मिनट टहल के 5 मिनट लेट जाए। अगर आज की डेट में घर से काम कर रहे हैं या बाहर जाते हैं आप? बाहर जाते हैं सर। लॉकडाउन नहीं चल रहा आपके यहाँ? नहीं, हमारे यहाँ लॉकडाउन है तो यहाँ पे क्या है, मतलब फैक्ट्री वालों को अलाउड है आना जाना। ओके, ठीक है। तो आप कोशिश करें, अगर आपका अपना बिजनेस है, कि आप
हर घंटे में 5 मिनट के लिए चलें और 5 मिनट आराम करें। जितना देर घर में 5, 5:30 बजे जब उठते हैं आप, तो आप इवन जल्दी भी उठ जाएं तो 5 बजे उठें चलें और फिर लेट जाएं, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद उठें 5 मिनट चलें लेट जाएं 5 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद आप दिन का जो भी आपका रेगुलर रूटीन होता है वो भी कर सकते हैं। कोशिश करिए सुबह जल्दी खाने की, 8 बजे के करीब नाश्ता कर लीजिए। बेसिकली क्या रहता है कि हमें खाने से ज्यादा एनर्जी बनानी है, तो अगर हम ये मान लें कि हमारे खाने से जो हमें एनर्जी मिल रही है वो कम हो गई, तो बेसिकली इसको कहेंगे कि हमें पच नहीं रहा, अपच हो गया या इंडाइजेशन कह लीजिए, ठीक है। अब उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर एक नॉर्मल आदमी खाने को पचाता है 4 घंटे में, तो हमें 6 घंटे लग सकते हैं। तो अगर हम 8 बजे खाएंगे, दूसरा खाना 2 बजे खाएंगे, फिर रात को 8-9 बजे खाएंगे, तो हर खाने के बीच में 6-6 घंटे गैप हो गया, तो जो हमने खाया है वो अच्छे से पच पाएगा, ठीक है ना। और बीच बीच में पानी भी नहीं पीना, और दूध या मट्ठा या जो भी ले रहे हैं वो सबको भी बंद कर दीजिए। मैं आपको एक व्हाट्सएप मैसेज कर देता हूँ, उस व्हाट्सएप मैसेज में होगा कि आप कल के दिन खाने के साथ साथ 1 गिलास पानी पिए हैं। इनफैक्ट वो वाला भी अभी फॉलो मत करिएगा, आप पहले 3 दिन के लिए क्या करें, 3-4 दिन के लिए खाने के साथ सिर्फ पानी पिए, खाने के अलावा पानी बिल्कुल भी मत लीजिए। आप अच्छा सुबह 8 बजे खाना खा लीजिए, 8 बजे खाने के साथ में 1 गिलास पानी पी लीजिए, उसके बाद सब कुछ बंद है। फिर 2 बजे खाना खाइए, 2 बजे खाने के बीच बीच में पानी पी लीजिए, कि आपने जैसे एक रोटी खा ली थोड़ा सा पानी पी लिया, फिर चावल खा लिए थोड़ा सा पानी पी लिया, 1 गिलास पानी आप खाने के साथ साथ खत्म कर दो। तो खाना सर इसको मतलब सूखा ही खाना है, नॉर्मल नहीं, ही जैसा खाना है? भी नॉर्मल खाना खाना है, जो भी आप सब्जी दाल जो भी आप खाते हैं वैसे खाइए आप, तो आप खाने के साथ साथ पानी पीजिए। और शुरू के दिनों में तो आप कोशिश करिए अगर अल्कोहल भी ना लें तो, ठीक है। अल्कोहल ना लेने की वजह से जो दिक्कत होती है, थोड़ा सा स्ट्रेस सा बिल्डअप होता है, उसको भी कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जब आप पानी को खाने के साथ ही लेंगे और ज्यादा नहीं लेंगे, तो आपके शरीर में खाने से जो एनर्जी बढ़नी है वो बढ़ जाएगी, तो आपको उससे दिक्कत भी कम होगी। तो आप 2-3 दिन तो आप रुक ही सकते होंगे, तो उससे आपका 2-3 दिन में आपको थोड़ा सा एनर्जी इंप्रूवमेंट लगेगा, और दिन में आप कम से कम 10-12 बारी 15 बारी चल लें, 5 मिनट चलें 5 मिनट रेस्ट करें। सुबह जैसे आप 5:30-6 बजे उठते हैं, तो जब तक आप 10 बजे तक निकलेंगे घर से, तो 4 घंटा हो जाएगा, 4 घंटे में 6-7 बारी कर लीजिए 5-5 मिनट चलने का और आराम करने का। उसके बाद रात को आप आ जाते होंगे 7-8 बजे, कितने बजे तक नहीं, आ जाते सवेरे हैं? में जाते हैं सर। एक्चुअली बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी मतलब मेरा रहा नहीं, मतलब ड्यूरिंग द डे नहीं रहता है। नहीं, आप रात को शाम को वापस कितने बजे आते हैं घर? आ जाते हैं सर 6 बजे तक, मतलब निकलते हैं। अभी का जो रूटीन है, अभी निकलते हैं करीब 2 बजे निकलते हैं दोपहर में, फिर 6 बजे तक आ जाते हैं। तो फिर तो बढ़िया है, आप बीच में मतलब जब तक आप घर से निकलते हैं, तो आधे घंटे से 1 घंटे में सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक आप करीब करीब 7-8 बार चल लीजिए। फिर 6 बजे आते हैं, 1 घंटा आराम करिए, 7 बजे से लेकर जब तक सोते हैं 10, 11, 12 बजे जो भी आपका सोने का टाइम है, तब तक आप 5-6 बारी और कर लें। टोटल मिला के पूरे दिन में 15 बारी 5-5 मिनट चल लें, और हर बारी चलने के बाद लेट के आराम करें। और 3 बारी खाने के अलावा बीच में कुछ भी मत खाइए, फ्रूट भी मत खाइए, सलाद भी मत खाइए। अगर कुछ लेना हो तो थोड़ा बहुत सलाद लेना चाहे तो रोटी के साथ ही ले लीजिए, और उसके अलावा कुछ मत लीजिए। तो ये कर रहे करिए, और ये करने के बाद 3 दिन के बाद आप बताइए। 3 दिन के बाद फिर फोन पर ऐसी बात कर लेते हैं और देखते हैं आपको क्या क्या फर्क नजर आया। तो शुगर चेक करना है, चेक करना है सर। शुगर आपका मर्जी है, चेक करिए, रोज करिए अगर रोज करते हैं तो, और मॉनिटर करिए, और शुगर आपका गिरे नहीं गिरे मेन चीज होता है कि आपको भूख कितना लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है पहले से या नहीं लग रहा। देखिए जैसा मैं बोल रहा हूँ कि ये सारा का सारा शुगर का जो गेम होता है, आप ये समझिए कि आपको 200 से 300 के बीच में शुगर रहती है, तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो अभी 350 के करीब रहता है सर। कभी कभार अगर रहता है तो कोई बात नहीं, पर मेन चीज ये है कि अगर ज्यादातर टाइम दिन में 10-12 घंटे भी 200-300 के बीच में रहता है, तो आपका जो मेन मशीनरी होती है, जो आपका ऑर्गेन्स होते हैं ना, किडनी लीवर वगैरह, इसको डैमेज नहीं होता। आपने सुना होगा डायबिटीज में नुकसान होता है, वो नुकसान बाद में होता है, एक तो लंबा चलने पर होता है, और उसके बाद अगर आपको दिन में 5-10 घंटे भी 200-250 के आसपास रहेगी तो नुकसान नहीं होगा। आपको देखना क्या है कि आपको भूख अच्छे से लग रहा है, पेट अच्छे से साफ हो रहा है, आपका जो स्ट्रेस जिसको कह रहे हैं वो स्ट्रेस आपको कम फील हो रहा है,
आप लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं, आप मान लीजिए टीवी देख रहे हैं या खाना खा रहे हैं तो खाने में स्वाद अच्छे से आ रहा है, तो आपको हर चीज पॉजिटिव दिखाई देनी चाहिए, पॉजिटिव लगनी चाहिए। अगर आपकी सारी चीजें इंप्रूव हो रही है तो धीरे धीरे करके समझिए 4 महीने 3 महीने में आपका शुगर लेवल अपने आप से 100-150-200 के बीच में आ जाएगा। अगर आप 100 अभी जैसे 200-300 कह रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है कि जब आपको डायबिटीज होता है तो आपका जो शुगर होती है वो ब्लड डिलीवर करता है सेल में, ब्लड सेल में छोड़कर आता है, तो वो शुगर सेल में जाना कम हो जाता है, तो सेल में शुगर की काफी कमी हो जाती है। तो जब अगर मान लीजिए आपके सेल्स में जितना शुगर होना चाहिए उससे आधा है, और नॉर्मल आदमी जिसको डायबिटीज नहीं है, जिसका सेल में शुगर बराबर है, अगर उसके ब्लड में 100 है तो वो 100 के हिसाब से ब्लड में छोड़कर सेल में छोड़कर आ रहा है। अगर 100 ही आप ही मेंटेन करेंगे दवाइयों के थ्रू या जैसे भी करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि आपके सेल में जो कमी है वो कभी पूरी नहीं होगी, ठीक है ना। तो अगर आपका 200-250 के बीच में रहता है और फ्लक्चुएशन होता रहता है, कभी कम ज्यादा होता रहता है, तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे 3-4 महीने में ठीक हो जाएगा। तो आप इसको फॉलो करिए, 3 दिन के बाद एक बार बात करिए, 5 मिनट के लिए बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, फिर आगे के लिए डिसाइड करते हैं कैसे कैसे करना है, फिर मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक ठीक है सर, ठीक, थैंक यू, थैंक यू सर।